फ्रेगा वैक्स एम कैप्सूल, यह डॉक्टर आपको नर्व जैसे पेन में प्रेस्क्राइब करते हैं, न्यूरोटिक पेन में प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसका क्या डोज होता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, कितना आपको लेना चाहिए एक दिन में, और ये कैसे वर्क करता है, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप जानकारी रखना चाहते हैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में, तो अंत तक बने रहो, पूरी जानकारी शॉर्ट में आपको दी जाएगी जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रेगा वैक्स एम कैप्सूल के बारे में। तो इसे जो बनाता है वह वैक्सी केयर फार्मास्यूटिकल है, और इसका जो पैक है वह 10 कैप्सूल का है और कॉस्ट 175 रुपये है। तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, अब जब आपको नसों वाला दर्द होता है, नर्व पेन होता है, तो नर्व पेन में आपको जैसे कि ये कुछ कारणों से होता है, जैसे कि आप एक डायबिटिक पेशेंट है, जैसे कि न्यूरोपैथिक हुआ है, न्यूरोपैथिक पेन, तब, या जैसे कि अगर आपको कहीं मार लगी, गहरा चोट, अंदरूनी मार लगी है तब, या आप ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं तब यह होता है, या जैसे कि आपका फ्रैक्चर हुआ है जिसमें आपके नर्व डैमेज हुए तब, या आपको कमजोरी की वजह से यह होता है। तो इसका जो डोज रहता है वह ओडी डोज रहता है। इसे मिनिमम आपको 30 डेज तक लेना चाहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। तो अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है ये नर्व पेन को दूर करते हैं, नर्व को रेजोनेट करते हैं, नर्व के जो बॉन्ड रहते हैं उसे ये वापस से फॉर्मेशन में मदद करते हैं जहाँ पे जैसे डैमेज वगैरह हुआ है, और यह हेल्प करते हैं रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी। तो काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसे खाना खाने के पहले या बाद में भी ले सकते हैं, जहाँ तक वो खाना खाने के आधा एक घंटा बाद लें, ताकि आपको उल्टी या जी जैसा मचलाए नहीं। तो अगर आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आप खुद से लेंगे तो हो सकता है कुछ इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसके वजह से आपको उल्टी आए, जी मचलाए, पेट में गैसेस या अपचन हो, जो हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में देखने को मिलता है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। फिर